हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल इंडियर कोचिंग क्लासेस में। मैं राज मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का पेपर, जो कि काफ़ी स्कूलों में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उसके स्कूल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छा है पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें से काफ़ी जैसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है पेपर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर बहुविकल्पी है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा साइन माइनस वन वन अपॉन टू का मान पाइए। ठीक है, ऐसे सब ये विकल्प देखें, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सब देख लीजिए आप अच्छे से, और भी नोट भी कर लीजिए क्योंकि आपके पेपरों में हो सकता है ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी खंड करने हैं इसमें, क्योंकि ये हमारा जो है फर्स्ट समुच्चय वाला क्वेश्चन है, ये हमारे रेडियंस उसमें चेंज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं और ऐसे सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब आप देख सकते हैं धीरे धीरे, पॉज करते हैं वीडियो को। एंड हमारे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखा ए प्लस बी आई वी के रूप में लिखिए। ठीक है, हमने कुछ वीडियो बनाए भी हैं, कुछ नहीं बनाए हैं, कुछ मतलब कि है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, इनके काफ़ी अच्छे नंबर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 × 4 इन 4 के 8 नंबर है, यानी कि आपकी 8 नंबर का जुगाड़ है। आप आराम से इन्हें देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, मैं देखिए नेक्स्ट ये है, यदि 5 PR ये कुछ मतलब कि दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, सही से लिखा हुआ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है। ठीक है, इसमें ये 25 नंबर का है, ये फिफ्थ नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन 400 लोगों के समूह में 250 लोगों की हिंदी, 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं, ये फैक्टोरियल वाले सवाल हैं। ठीक है, सिद्ध करना, ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है। चलिए नेक्स्ट हमारे पेपर चलते हैं, ये देखिए आप, ये हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ सिद्ध करो कि NCR प्लस NC1 माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सेकेंड है हमारा, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं की कितनी दीवारें खींची जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, ये सब हैं सिंपल हैं बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं मैंने, बस इनके आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है ना वो मिट गया है, इसलिए कोई नहीं, आप फिर भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाकायदे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जो है नियम प्लस, ये थोड़ा कट चुका, लेकिन फिर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी की, वहाँ पर जो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट है हमारा सिद्ध करो कि, ये सिद्ध करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। एंड हमारा सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, किसी बहुपुज के दो क्रमागत अंता कोणों का अंतर बताना है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये मोस्ट वांटेड पेपर है। ठीक है, इसके आप अपना नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।